नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। दोस्तों, हमें काफी सारे सवाल आते हैं कि व्यापार में इनवॉइस नंबर सिर्फ न्यूमेरिक आते हैं, अगर हमें इनवॉइस नंबर न्यूमेरिक के साथ साथ अल्फाबेटिक भी रखना हो तो कैसे करें। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि व्यापार में आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस नंबर रख सकते हैं, जिसे इनवॉइस प्रीफिक्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इनवॉइस प्रीफिक्स का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले व्यापार ओपन करें। अब लेफ्ट मेन्यू में सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में जाना होगा। तो यहाँ आपको एक ट्रांजैक्शन प्रीफिक्स का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको सभी ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट बॉक्स दिखाई देगा, यानी कि आप हर ट्रांजैक्शन टाइप के लिए डिफरेंट प्रीफिक्स सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्यापार में मल्टी फॉर्म कैसे ऐड करें, तो अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म्स मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म वाइज प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल के लिए कमलेश ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम ट्रांजैक्शंस के लिए प्रीफिक्स सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये चाहते हैं कि हमारा सेल इनवॉइस नंबर हो SI/KT/2021/1। यहाँ पर SI मतलब कि सेल इनवॉइस, KT मतलब कमलेश ट्रेडर्स और ईयर 2021 है। तो इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसिफिक प्रीफिक्स बना सकते हैं। और लास्ट में जो वन है वो है इनवॉइस नंबर, जो व्यापार में बाय डिफॉल्ट आता है। तो इसके लिए सेल इनवॉइस बॉक्स में क्लिक कर ऐड इनवॉइस प्रीफिक्स पर क्लिक करें। अब हमें यहां एंटर करना होगा SI/KT/2021/, बस इतना ही। इनवॉइस नंबर आपको यहां नहीं लिखना है, क्योंकि स्लैश के बाद इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली ऐड होगा जब हम इनवॉइस बनाएंगे, और इसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। तो ये हमने सेल इनवॉइसेस के लिए एक प्रीफिक्स सेट कर दिया है। इसी तरह से आप बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए भी प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, और एक ही ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल प्रीफिक्सेस भी सेट कर सकते हैं। साथ ही अगर प्रीफिक्स बनाने में आपसे कोई गलती हो गई हो या कोई दिक्कत हो, तो आप प्रीफिक्स के आगे मौजूद इस डिलीट आइकन का इस्तेमाल कर प्रीफिक्स को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्रीफिक्स सिर्फ तभी डिलीट हो पाएगा अगर उस प्रीफिक्स में आपने अभी तक कोई भी इनवॉइस जनरेट या कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं किया हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इनवॉइस पर ये किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम एक नया इनवॉइस बनाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि इनवॉइस नंबर एक से जस्ट पहले एक बॉक्स है, तो उस पर क्लिक कर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो प्रीफिक्स चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इनवॉइस की डिटेल्स एंटर कर इसे सेव कर दें। तो देखिए, बिल पर इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हम चाहते थे। तो जल्दी से व्यापार ओपन करें और प्रीफिक्स के साथ अपने इनवॉइसेस को दें एक नया और प्रोफेशनल लुक। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ऐसे ही अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।